दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में सबसे पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि भारत में सबसे पहला विश्वविद्यालय है तक्षशिला विश्वविद्यालय, जिसका निर्माण 700 ईस्वी पूर्व हुआ था। दोस्तों, क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पहले से पता था? अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना भूलिएगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस पूरे विश्व का प्रथम ग्रेनाइट मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि विश्व का प्रथम ग्रेनाइट मंदिर भारत में स्थित तमिलनाडु में है, जिसका नाम बृहदेश्वर मंदिर है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। और बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण सिर्फ 5 साल में, और वो भी 11वीं शताब्दी में करवाया गया था। दोस्तों, क्या ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पहले से पता था? अगर नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में लिखना भूलिएगा। दोस्तों, हमने हमेशा सुना है कि अमेरिका की करेंसी डॉलर है, लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि डॉलर की शुरुआत कब से हुई? तो दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि डॉलर की शुरुआत सन 1788 से हुई। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। सन 1788 में डॉलर अमेरिका की करेंसी बना। दोस्तों, क्या अमेजिंग फैक्ट आपको पहले से पता था? अगर नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में लिखना भूलिएगा। दोस्तों, अगर हम जब भी प्याज काटते हैं तो हमारी आंखों में जलन होती है और हमें आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, लेकिन दोस्तों, अगर आप लकड़ी के चाकू से प्याज काटेंगे तो आपकी आंखों से आंसू नहीं निकलेंगे। दोस्तों, क्या ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पहले से पता था? अगर नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में लिखना भूलिएगा। हर किसी के पास होता है, लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे मोबाइल में जो कैमरा होता है उसके आविष्कारक कौन थे? तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, हमारे मोबाइल के कैमरे के आविष्कारक फिलिप कैन हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। फिलिप कैन ने हमारे मोबाइल के कैमरे का आविष्कार किया था, और साथ ही साथ उनके ही द्वारा हमारे मोबाइल के कैमरे की सबसे पहले तस्वीर ली गई थी। दोस्तों, अगर आप एक भारतीय हैं तो आपके लिए ये बहुत बड़ी गौरव की बात होगी, क्योंकि 26 मई को स्विट्ज़रलैंड में विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और ये किसके उपलक्ष में मनाया जाता है, ये बात जानकर आपका सीना भी गौरव से फूल उठेगा। दोस्तों, ये मनाया जाता है हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के उपलक्ष्य में। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। 26 मई को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने स्विट्ज़रलैंड का दौरा किया था, और तभी से उस दिन को विश्व विज्ञान दिवस के नाम से स्विट्ज़रलैंड में मनाया जाता है। दोस्तों, क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पहले से पता था? अगर नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में लिखना भूलिएगा। जानवर फिश टाइप में है तो ये गलत है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो फिश कोई और नहीं बल्कि हमारी शार्क है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। शार्क में एक भी हड्डी नहीं होती। दोस्तों, क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पहले से पता था? अगर नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में लिखना भूलिएगा। दोस्तों, हम सबको पता है कि बिना पानी पिए ज़्यादा समय तक जीने वाला जानवर ऊँट है, लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि ऊँट से भी ज़्यादा समय तक बिना पानी पिए जीने वाला जीव कौन सा है, तो आप क्या जवाब देंगे? तो कोई बात नहीं दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, वो जीव है चूहा। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। चूहा ऊँट से भी बिना ज़्यादा समय तक बिना पानी पिए रह सकता है। दोस्तों, क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पहले से पता था? अगर नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में लिखना भूलिएगा। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि पारसी धर्म वाले लोग प्रदूषण से बचने के लिए मृतकों के शवों को ना तो जलाते थे ना तो दफनाते थे, उन्हें ऊंची बिल्डिंग्स पर रखकर उन्हें गिद्ध को खाने देते थे, जिससे प्रदूषण नहीं बनता था। दोस्तों, क्या ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पहले से पता था? अगर नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में लिखना भूलिएगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसकी माँ को कितना दर्द होता है? इस दर्द का पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने एक बार इस पर शोध किया, तो पता चला कि एक बच्चा पैदा करते वक्त माँ को 20 हड्डियाँ के टूटने का दर्द होता है। दोस्तों, क्या ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पहले से पता था? अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना भूलिएगा।